गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत मस्त और बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी मस्त हैं। सुबह सुबह हम लोग कुल्हड़ वाली चाय पीने, हम लोग एक्चुअली वॉक करने निकले हैं और पास में ही चाय मिलती है, तो चेतन ने बोला चाय पी लेते हैं। और हमें वहाँ पे आप देख सकते हैं खूब सारी गायें, और वहाँ पे गायों का चारा मिल रहा है, तो वो हमें देना है, क्योंकि जब कृष्णा का नामकरण हुआ था तो उस टाइम पे हमने मतलब बोला हुआ है कि हम गायों को चारा वगैरह देते और रहेंगे, कबूतर को अनाज, और कबूतरों को अनाज देंगे। तो इसलिए जब भी ऐसा होता है कि टाइम मिलता है, हम लोग आ जाते हैं। और मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, तो ये जो है चारा वगैरह दे के जाएंगे, चाय वगैरह पी के मस्त अच्छे से। संडे था, हम लोगों ने कहा क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए अच्छे से, तो आ गए हम लोग, बस आ गए चाय पीने। ये जो सुबह सुबह की चाय होती है ना, ये जो बारिश के बाद वाली है, रात भर बारिश हुई है उसके बाद ये चाय इतनी अमृत है। मौसम इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है, बहुत फ्रेश है, एकदम फ्रेश। बैंगलोर वाली फीलिंग आ रही है आज तो। मस्त एकदम ठंडा मौसम होता है। ये वाला किसका? ये बाजरा है। वो दिखता है। पहले इनसे पूछना पड़ेगा आप पेटीएम एक्सेप्ट करते हो क्या? तो यहाँ पे मोनिका आ गई है चारा लेके। वहाँ साइड में रख दे पेड़ के नीचे। आगे जितन आगे बोल रहे हैं। यू ये डालने नहीं देंगे अंकल। चेतन ध्यान रखना। ये डालने नहीं दे रहे। ठीक है इधर अब खा लेंगे। ठीक है, दो मिनट में चेक कर देंगे। थोड़ा सा कचरा यहाँ पे ज्यादा है ना, इसलिए तो बेचारी ये आई है तेरे पास थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू। वो छोटा सा देख क्यूट सा, उसको दे देते, पर ये तो अब क्या कर सकते हैं। ये तो दूध पिएगा मम्मी का। खाने के लिए आ रहा है, देख टक टक करते हुए। जब घर से बाहर इतनी दूर आ ही गए थे तो हमें लगा कि ठीक है कचौरियाँ भी लेके ही चलते हैं। यहाँ की भीलवाड़ा की जो दाल वाली कचौरियाँ होती है वो बहुत टेस्टी होती है। इनको देख के मुझे मेरे दादाजी की याद आ गई। मुझे याद है कि मैं दादाजी के साथ में जाती थी, तो वॉक करने के लिए मुझे लेके जाते थे, और आते टाइम मुझे मतलब हम लोग वॉक करने जाते थे और आते टाइम मुझे ज़रूर से जलेबियाँ खिलाते थे, और मैं ऐसे दादाजी के चिपकी हुई रहती थी जैसे दोनों बच्चे चिपके हुए अपने दादाजी के। अभी वो नहीं है, अभी मतलब हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, बट मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हम दोनों की बॉन्डिंग ना बहुत ऐसी थी, मतलब उनको कोई नहीं डांट सकता था मेरे सिवाय, वो किसी से दवाई नहीं लेते थे मेरे सिवाय, मेरी सारी बातें मानते थे, मुझे डांटते थे, मुझसे प्यार करते थे। और मैं जब कभी नाराज़ हो जाती थी ना कि मैं आपने मुझे डांट दिया, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो मुझे दो तीन बार बोलते थे मोनू मोनू, फिर मैं नहीं जवाब देती थी ना, तो आगे बोलते थे क्या हुआ, नाराज़ हो गई क्या, नाराज़ क्या हो रहा है, तो मुझे डांटते। तो हमारी बॉन्डिंग ना बहुत अलग थी, मतलब पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा अलग हमारी बॉन्डिंग थी। हम लोग अच्छे फ्रेंड्स भी थे, एक दूसरे को डांट भी लेते थे, प्यार भी करते थे, और मतलब अब इनको देखा ना तो सुबह सुबह मुझे बहुत याद आई उनकी यार। मुझे लगा कि ना टाइम कैसे चला जाता है, अपन बस याद करते रह जाते हैं चीज़ों को। हाय बोलो बोलो, आँख पे क्या हुआ, क्या हुआ?
गया, कहाँ ही होगो लागी, पता नहीं मेरी भाषा नहीं समझ रहा शायद, दूर से तो ये मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था। तो कल जो कपड़े मैं लेके आई थी कृष्णा के लिए, कुछ थोड़े बहुत कपड़े लाई थी, थोड़े बहुत मेरे लिए कपड़े लाए थे, तो बहुत क्यूट क्यूट से थे, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं कौन से कपड़े लेके आई थी। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से कपड़े लेके आई थी, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो टी शर्ट है, चेतन मुझे खड़े खड़े देख रहे हैं, तो ये जो टी शर्ट है ये मैं लेके आई थी, जो मैंने पहनी हुई है, ये बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स मैं मेरे लिए लाई थी, कृष्णा के लिए भी, क्योंकि अभी बहुत ह्यूमिडिटी वाला टाइम है, बहुत बारिश वारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है पीछे, तो ऐसे कपड़े चाहिए होंगे कॉटन वाले। बाकी थोड़े बहुत और भी लाई थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं सबसे पहले ये टी शर्ट और उसके बाद में ये लोअर लेके आई थी मैं, जो कि बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका, मतलब बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया था। दूसरा मैंने ली थी ये टी शर्ट, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई थी, और कॉटन है, सब कुछ कॉटन का ही है। ये मैंने कैपरी ली थी, जो भी मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली, और ये मैंने लिया था एक शॉर्ट, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने उठा लिया, गर्मी का टाइम है, काफ़ी काम आएगा। एंड एक कही थी ये टी शर्ट, जो कि मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा था, और डबल एक्सल में है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। और जो है मैं मेरे लिए लेके आई थी एक ही कुर्ता, जो कि शॉर्ट कुर्ता है, लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट कुर्ता मैं लेके आई थी, जो कि मुझे ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, समर में काफ़ी अच्छा रहेगा, और कहीं भी जाती हूँ ना तो ऐसा सिर्फ ये घर वाले कपड़े पहन के तो नहीं जा सकती, तो एक दो तो कपड़े से कम चाहिए होते हैं। एक मैं लेके आई थी ये प्लाजो, जो किसी के नीचे भी जा सकता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं घर जाके निकाल दूंगी। और एक जो है वो मैं लेके आई थी ये कुर्ता एक और, जो कि काफ़ी चौड़ा है, मैं खुद थोड़ी सी चौड़ी हो गई हूँ, तो मैंने थोड़ा सा लूज़ लिया था ताकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करूँ, बाहर वगैरह जाऊँगी तो पहन के जाऊँगी, तो ये मैं लेके आई थी। और वो प्लाजो मैंने एक्चुअली में इसके नीचे लिया था कि इसके नीचे भी चल जाएगा, डार्क कलर है, तो ये ऐसे करके मैंने मैच करके लिया था कि दोनों में काम आ जाएगा, और काफ़ी अच्छा लगा था, सिंपल सोवर एंड समर में काफ़ी फ्लावरी चीज़ें होती हैं ना, बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने फिर ये ले लिया था। तो मैंने मेरे लिए तो इतनी सारी चीज़ें ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं ली, पर ये मेरे लिए काफ़ी है वैसे। लास्ट मैंने शायद 7th month में लिया था, जब मैं प्रेगनेंट थी, तो दो नाइट शूट्स लिए थे, उसके बाद मुझे लग रहा था यार अभी क्या ज़रूरत है, अभी क्या ज़रूरत है, बट अब मुझे लगा कि नहीं अभी ज़रूरत है, तो मैंने अभी खरीदे हैं कपड़े काफ़ी टाइम बाद में। ये एक मैं कृष्णा के लिए लेके आई थी, जो कि मुझे काफ़ी क्यूट लगा था, वो मुझे बुला रहा है शायद, इसको एक बार लाना पड़ेगा तुझे दिखाने के लिए, ये देख ले कहो बेटू, हाँ अच्छा चलो 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 चलो। सो मुझे कृष्णा ने मुझे बुला लिया था, वो बार बार यू नो उसको फिट कराना था, तो मैं चली गई थी। तो मैं दिखा रही थी आपको कृष्णा के लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ, कृष्णा के जो कपड़े हैं वो मैं आपको दिखा रही थी, मैं जो उसको लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने शायद दिखा दिया था आपको, ये मैं लेके आई थी एक, जो मुझे काफ़ी क्यूट लगा था, और एक लेके आई थी ये वाइट कलर में, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एंड छोटे बच्चों के तो कपड़े, ओह माय गॉड, और लड़कियों के स्पेशली, मतलब मुझे तो, मैं तो जियाना के लिए देख देख के पागल हो जाती हूँ, इतने अच्छे लगते मुझे कपड़े, लड़कियों के कपड़े तो बहुत क्यूट थे, लड़कों के भी थे, तो मैं लेके आई थी। एक मैं ये लेके आई थी लिटिल लॉयन, इसके साथ में ये जो है नीचे पेंट है, हाफ पेंट है, सारे कॉटन गर्मी के हिसाब से लाइन होगी, उसके बाद सर्दियों के कपड़े तो पड़े हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी कुछ पड़ा है उसके पास में, तो वो जब पहनेगा तब दिखाऊंगी मैं। एंड ये एक लेके आई थी मैं, जो कि मुझे समर के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा था, एक ये लेके आई थी, और ऐसे ही मैं उसके लिए 4 सेट लाई थी अलग अलग। कितना क्यूट है ना ये पहन के, तो वो सुपर क्यूट लगता है, मतलब छोटा सा बच्चा बनिया जो कि बहुत क्यूट लगता है यार, तो ये मैं उसके लिए लेके आई थी। एक ये है एंड एक ये है, इसके साथ में ये पैंट है ये, और ऐसे दो और थे, तो जो मैंने उसको पहना दिए ऑलरेडी, कल लेके आई थी तो मैंने वॉश कर दिए थे, और फिर आज पहनाए थे तो गंदे भी हो गए, तो मैंने दो बार चेंज भी कर दिए थे, क्योंकि बच्चा है, मतलब थोड़ी सी कोई वॉमिट कर दिया, थोड़ा सा कुछ लग जाता है, तो फिर चेंज करना ही पड़ता है। एक ही टी शर्ट मैं उसके लिए लेके आई थी,
क्योंकि काफ़ी क्यूट लगी थी मुझे। एंड एक मैं उसके लिए ये लेके आई थी, कॉम्पस टाइप की है ये, हाफ हाफ होते हैं, फुल नहीं होते हैं। गर्मियों में जब बच्चा जाता है तो उसको पूरा ये पहना दो तो आपको फिर यू नो टेंशन नहीं रहती कि पेंट कहीं और जा रही है, शर्ट कहीं और जा रहा है, तो ये पूरा पैक रहता है। तो इसके लिए मैं लेके आई थी ऐसा। और एक मैं इसके लिए ये भी लेके आई थी, ये सच बताऊँ तो लड़कियों के सेक्शन में था पर मुझे बहुत पसंद आ रहा था तो मैंने उठा लिया। मैंने कहा कि कृष्णा को तो वैसे भी काफ़ी थोड़े टाइम तक पता नहीं चलना है कि उसको कौन से कपड़े पहनाए जा रहे हैं, तो पहना देंगे। और ये मैं कुछ इसके लिए वहाँ पे ये छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी वहाँ पे अंडरवियर्स थी बच्चों की, तो हालांकि मैं रबड़ वाली पहनाने नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे रबड़ इलास्टिक जो होता है ना वो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा चुभता होगा, बट ये बहुत सॉफ्ट सा ही लग रहा था मुझे। और मैं चार लेके आ गई एक बार कि अगर मुझे लगा तो मैं पहना दूँगी, अदरवाइज तो ठीक है पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखती हूँ एक दिन पहना के अगर वो कम्फर्टेबल रहा तो ही पहनाऊँगी, अदरवाइज नहीं पहनाऊँगी, जिसलिए ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ। एंड बस इतना ही था, ये पैंट है, इसकी टी शर्ट वी शर्ट मैंने शायद पहना दी है। तो ये मैं लेके आई थी, थोड़े से कपड़े कृष्णा के लेके आई थी, थोड़े से मेरे लेके आई थी, और चेतन के लिए कुछ नहीं लाई थी क्योंकि चेतन बोले मैं नहीं लूँगा नहीं लूँगा, तो भाई चेतन को कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप कपड़े लेने जा रहे हो और आपने अपनी पसंद से चेतन के लिए कपड़े ले लिए, वो कभी नहीं पहनेंगे, वो सिर्फ अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं और जब उनका मूड होता है तभी लेके आते हैं। सो अपन तो अपने लेके आ गए हैं। और अब नेक्स्ट शॉपिंग मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पतली होकर करूँगी, अभी थोड़ी ज़्यादा ही फैली हुई हूँ, तो अभी मेरे को 28 को 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे डिलीवरी हुए, तो 2 महीने के बाद में। और तो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, जब मैं अभी आज से 15 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया था शायद, तो उस टाइम पर डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि फिजियोथेरेपी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो आप, बट मैंने थोड़ा सा अपने आप को और टाइम दिया है, वॉक वगैरह कर लेती हूँ, बट तभी मैंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट नहीं करी है। तो आफ्टर 2 मंथ्स मैं प्रॉपर एक यू नो एक पेस में स्टार्ट करूँगी अपनी एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करूँगी, उसके बाद में शॉपिंग करूँगी। तो तब तक के लिए तो है अभी, और कुछ कम लगा तो चलता रहेगा। एंड इसी चीज़ से मोटिवेट होता है इंसान, वरना आपको पता है खाते जाओ सिर्फ खाते ही जाओ। तो ये था आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच इतना सारे प्यार देने के लिए। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए हम पे, और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ फटाफट से कर लो। एंड बस लाइक शेयर भी करना मत भूलना, थैंक यू।